बाड़मेर जिले में बदमाशों का पीछा करते वक्त पुलिस की गाड़ी पलटने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। वहीं एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल घायल भी हो गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि पीछा करने के दौरान बदमाशों ने जीप को टक्कर मारी और जिसके चलते ये हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार एक गेटवे गाड़ी में बदमाश जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जा रहे थे और जानकारी मिलने पर कल्याणपुर थाने के आगे नाकाबंदी करवाई गई। बदमाश नाकाबंदी तोड़ वहां से भाग गए और इसके बाद पचपर्दा थाने की नाकाबंदी भी तोड़ दी गई। जानकारी मिलने पर दूधवा चौकी प्रभारी खेगाराम गोदारा ने मैं जाप्ता नाकाबंदी की और इसी बीच बदमाशों ने गाड़ी बागुड़ी से मलवा की तरफ घुमा दी, जहां दूधवा चौकी प्रभारी खेगाराम गोदारा, कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह और कांस्टेबल हुकम सिंह ने निजी गाड़ी से बदमाशों का पीछा किया। दूधवा के करीब 6 किलोमीटर दूर लाचार गाँव के पास गाड़ी पलटने से तीनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह निवासी चवा को मृत घोषित कर दिया। घायल चौकी प्रभारी खेगाराम गोदारा व कांस्टेबल हुकुम सिंह का उपचार शुरू किया गया है और घटना के बाद बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित कई अधिकारियों ने घायल पुलिसकर्मियों की कुशलक्षेम भी अब पूछी है।